हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हम जो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शो करूंगा कि उन्होंने पहले किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा क्या होता है। फुल मून नाइट यानी कि पूरा चांद, और पूरा चांद होगा तो क्या होगा, पूरी मतलब पूरा जो है रोशनी होगा हर जगह, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या क्या होता है। न्यू मून नाइट यानी कि चांद जो है बिल्कुल भी हमें आसमान में नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा अंधेरा होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं, तो हर वो ऑब्जेक्ट जो कि रात में हमें शाइन करता हुआ दिख रहा है वो क्या है, वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है ना। अब हर वो ऑब्जेक्ट जो कि शाइन कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास अपना खुद का जो है हीट एंड लाइट है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी बॉडीज होंगे, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास जो है खुद का हीट एंड लाइट नहीं होगा, और वो दूसरों के हीट एंड लाइट की वजह से जो है वो शाइन कर रहे होंगे। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के पास जो है अपना खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, वो जो है सन की वजह से जो है शाइन करते हैं, ठीक है ना। वहीं पे वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का हीट एंड लाइट होता है वो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टार्स, ठीक है ना। और सन क्या है, सन एक स्टार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कॉन्स्टलेशंस क्या होता है। तो देखिए ग्रुप ऑफ स्टार जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस, ठीक है ना। अर्सा मेजर जो है वो एक कॉन्स्टलेशन है, और अर्सा मेजर का ही एक पार्ट पार्ट है सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ठीक है ना। 7 सितारों का समूह जो है उसे हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं पोल स्टार क्या होता है। पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमें कभी भी शो करता है। इसका जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। तो हम कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन जो है इसकी मदद से पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट जो है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स यानी कि घूमना, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमें, मैंने आपको बता दिया है कि प्लैनेट के पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, वो सन से अपना हीट एंड लाइट जो है वो पाते हैं। बात करते हैं सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और तो और एस्टेरॉइड्स एंड मेटेराइड्स होते हैं, ठीक है ना। एस्टेरॉइड्स एंड मेटेराइड्स को मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले सबसे पहले हम लोग सन को देखते हैं। बात करते हैं सन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सन का ये है कि सन जो है वो एक पुलिंग फोर्स जो है हर एक प्लैनेट को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स जो है इस तरीके से एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर ये पुलिंग फोर्स नहीं होता तो ये सारे प्लैनेट्स क्या होते, एक दूसरे पे गिर जाते, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, वो सन पे ही गिर जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लैनेट्स का। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो मरकरी हो गया, ठीक है ना, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स होगा, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, और तो और नेप्ट्यून हो गया। ये पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, और ये 8 प्लैनेट्स इसी तरीके से मतलब ये नंबर 1 नंबर 2 और इसी तरीके से जो है सन के साथ अलाइन है, यानी कि यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे वेनस, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मार्स, यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे यूरेनस और यहाँ पे नेप्ट्यून। तो सबसे लास्ट में कौन होता है, नेप्ट्यून होता है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक इसी से रिलेटेड पूछा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इन ऑर्डर, ये 2008 में पूछा गया था यूपीएससी में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, ठीक है ना। तो मार्स और यूरेनस के बीच में कौन से दो पाए जाएंगे प्लैनेट्स। तो ये देखिए, ये मार्स है, ये यूरेनस है, और यहाँ पे क्या है, जुपिटर और सैटर्न हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। ये देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद फिर बात करते हैं, आपको पता चल गया कि मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट है। बात करते हैं वेनस का। तो वेनस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, वेनस को हम लोग अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, अर्थ का जुड़वा कहते हैं। अर्थ का जुड़वा क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो साइज होता है और जो वेनस का शेप होता है वो जो होता है अर्थ की तरह बिल्कुल होता है, पूरा अर्थ से सिमिलर होता है। इसलिए वेनस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन, ठीक है ना। प्लूटो जो है पहले प्लैनेट था, लेकिन आपको पता है कि अब उसे प्लैनेट से हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अर्थ का। तो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है,
अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट का, तो देखिए सबसे बड़ा होता है जुपिटर, उसके बाद फिर सैटर्न, उसके बाद फिर यूरेनस, उसके बाद फिर नेपच्यून, उसके बाद फिर अर्थ, फिर वेनस, फिर मार्स और उसके बाद फिर मरकरी। तो आप इस तरीके से जो है याद कर सकते हो कि कौन सा प्लेनेट सबसे बड़ा है, कौन सा प्लेनेट सबसे छोटा है। तो मरकरी मेट वेनस एवरी नाइट अंटिल सैटर्न जंप्ड। तो जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी जो है सबसे छोटा है, आप इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं अर्थ का शेप का। तो अर्थ का शेप वो जो होता है वो जियोइड होता है, जियोइड यानी कि फ्लैट होता है, पोल पे पूरा एकदम परफेक्ट स्फीयर जो है वो नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2/3 जो है अर्थ का सरफेस जो है वो पूरी तरीके से वाटर में डूबा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं मून का, तो हम सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थ के पास बस एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे जो कौन सी है वो है मून, ठीक है ना। मून का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि देखिए ये अर्थ है ना, और ये मून जो है क्योंकि अर्थ के पास ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, ये पूरा 27 डेज जो है लेता है मून पूरा अर्थ के पास रिवॉल्व करने में, ठीक है ना। और उसी 27 डेज में मून जो है अपने स्पिन पे जो है मतलब पूरी तरीके से रोटेट करता है, यानी कि हमें कभी भी मून का एक ही पार्ट विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर में मून जो है अर्थ का चक्कर लगाएगा उतनी ही देर में मून जो है अपने भी पूरी तरीके से घूम जाएगा। तो हमें क्या होगा कि बस मून का एक ही साइड दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से प्लेनेट का है? तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे जो है जुपिटर के सबसे लार्जेस्ट नंबर थे नेचुरल सैटेलाइट के। लेकिन आप ये देख सकते हैं 2019 में ही क्या हुआ था, द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ था कि सैटर्न जो है जुपिटर को ओवरटेक कर लेता है और अब सैटर्न के पास जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स है, ठीक है ना। तो ये आप एक चीज याद रखना, यूपीएससी ने अभी तक ये क्वेश्चन वापस से नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है किसके हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि वो सैटर्न के हैं, ठीक है ना। आप बाकी सबके भी नेचुरल मून्स जो है वो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमेट क्या होता है। देखिए कॉमेट जो होता है वो आइस, रॉक और डस्ट का बना होता है, ठीक है ना, जिसके जो कि क्या करता है कि जिसके पास एक टेल भी होती है, जिसके पास एक पूंछ होती है। ये आपको बहुत ही बेसिक सा चीज याद रखना है कि इसके पास जो होती है एक टेल भी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बात करते हैं मेटेराइट्स का। तो देखिए मेटेराइट वो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, स्मॉल रॉकी मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, सैंड लाइक होते हैं। और तो और ये कैसे बनते हैं, ये या तो जब कॉमेट कोई टूटता है ना, कॉमेट के टुकड़े से मेटेराइट बन सकता है, या तो फिर जब एस्टेरॉइड के टुकड़े से, जब एस्टेरॉइड का जो पार्ट होता है एक छोटा सा पार्ट हो गया वो भी मेटेराइट बन सकता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, मेटेराइट्स जो होते हैं ये छोटे छोटे ये सन के आजू बाजू जो है पूरा रिवॉल्व करते हैं गोले गोले, ठीक है ना। बात करते हैं मीटियोर का। तो देखिए मीटियोर जो होता है जो कि अर्थ सर्फेस, जब ये मेटेराइड है ना, ये आपका मेटेराइड जब अर्थ सर्फेस पे मतलब अर्थ एटमोसफियर में ऐसा इंटर होता है तो वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। तो क्या होता है, हम जो टूटता हुआ सितारा, टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, शूटिंग स्टार, तो क्या होता है वो मेटियोर होता है, ठीक है ना। मेटेराइड जो होते हैं वो सन के पास ऐसे घूमते हुए रहते हैं, और जब ये अर्थ के एटमोसफियर में घूमते घुसते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, और इन्हें हम मेटियोर्स कहते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं मेटेराइट का। तो कई बार क्या होते हैं, ये जो मेटियोर्स होते हैं ना, मेटियोर मैंने आपको बता दिया कि ये अर्थ सर्फेस में घुस गए और बर्न हो गए तो वो मेटियोर हो गए, ठीक है ना। कई बार ये जो मेटियोर यानी कि जो अर्थ सर्फेस में ये मेटेराइट्स घुसा है वो पूरी तरीके से जलता नहीं है, और तो और वो अर्थ सर्फेस पे गिर जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मेटियोराइट, ठीक है ना। बात करते हैं एस्टेरॉइड्स का। तो देखिए एस्टेरॉइड जो होता है ये भी सन के आजू बाजू इस तरीके से घूमता रहता है, और ये रॉक और मेटल्स का बनता है, ठीक है ना। बात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थी चीज कि एस्टेरॉइड के पास जो है कोमा या फिर टेल जो है वो नहीं होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स, व्हाइल कॉमेट्स आर
फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉक एंड मेटेलिक मिनरल्स। तो ये देखिए मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन एकदम सही है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वेनस एंड मरकरी। नहीं, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जुपिटर एंड मार्स में पाए जाते हैं, लेकिन कॉमेट्स जो है मोस्टली इसमें नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद फिर कॉमेट्स शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल, व्हाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट। तो मैंने आपको बता दिया है टेल की प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं वापस से। ये एस्टेरॉइड्स जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है मैं एस्टेरॉइड जो होते हैं वो प्लेनेट के पार्ट होते हैं। बात करते हैं मेटेराइड्स का, तो मैंने आपको बता दिया है कि मेटेराइड्स क्या होता है, ठीक है ना। मेटियोर्स क्या होते हैं, और ये देखिए जब ये बर्न नहीं होते हैं और तो और अर्थ पे फॉल गिर जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटियोराइट, ठीक है ना। ये देखिए RITE लग गया, मतलब कि वो अर्थ पे गिर गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब कि जब हम रात में देखते हैं तो इस तरीके से पूरा दिखता है, मतलब कि एकदम कई सारे स्टार्स जो है चमक रहे हैं, तो इन्हें मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और तो और ये एकदम मतलब समुद्र की तरह लगता है, तो इसे पहले क्या कहते हैं, पहले आकाश गंगा भी कहते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में यूनिवर्स क्या होता है, मतलब कि ये सारे कई सारे गैलेक्सीज मिल करके ना क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका, ये देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इन्हें क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के क्लोज होते हैं, ठीक है। और तो और वो किसके बने होते हैं, वो रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रॉक्स के बने होते हैं। बात करते हैं आउटर प्लैनेट का, तो आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो सन से दूर पे होते हैं, कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और तो और ये किसके बने होते हैं, ये गैस और लिक्विड के बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इनर प्लैनेट जो होते हैं वो रॉक के बने होते हैं, और आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो गैस और लिक्विड के बने होते हैं। तो ये देखिए ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। सबसे पहले क्या होता है, अर्थ होता है, उसके बाद फिर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी कि सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, और उसके बाद फिर एस्टेरॉइड मेटोराइड्स हो गया, फिर आगे आपका मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, ठीक है ना, यानी कि आकाश गंगा, और उसके बाद फिर कई सारे गैलेक्सी मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।